अस्सलाम वालेकुम। और हाँ जी, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कामरान अकमल ने बाबर आजम को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान ने इस न्यूजीलैंड की सी टीम के साथ सीरीज बराबर की है, क्या पाकिस्तान इस टीम के साथ वर्ल्ड कप जीत सकता है, तो उन्होंने कहा कि देखें, पिछले 4-5 सालों से पाकिस्तान टीम का कोई हाल नहीं है। जिस तरीके के साथ, जिस इंटेंट के साथ ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम नहीं के फ्रेंड्स 11 है। और यहां पर उन्होंने बाबर आजम की तरफ इशारा किया कि इस टीम के अंदर कुछ लोग हैं, उनको सिर्फ यही पड़ी रहती है कि मैंने इसको टीम से निकालना है चाहे जो मर्जी हो जाए, और इस बंदे को टीम के अंदर लेकर आना है चाहे इसकी परफॉर्मेंस है या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम ने इस मर्तबा मेरिट की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, इनको पाकिस्तान की और पाकिस्तान के फैंस की कोई फिक्र नहीं है कि हमने मैच जीतना है या हारना है।